टू बियर बेली टेल्स। बीबीटी गैजेट्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम इस ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये ब्लूटूथ डिवाइस कहां से लिया, कितने का लिया और क्यों लिया। अगर आपको ये ब्लूटूथ डिवाइस 1500 के अंदर मिल जाता है तो इससे अच्छा वैल्यू फॉर मनी डील और कोई नहीं है आपके लिए। फुल पैसा वसूल। इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन 2000 से 2100 के बीच पे पड़ जाएगा। अमेजन पे ये अवेलेबल है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। मैंने ये ब्लूटूथ हल्द्वानी के लोकल शॉप से लिया, मुझे ये 1300 का पड़ा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप डिफरेंस देख ही सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये ब्लूटूथ आप अपने एरिया के किसी भी लोकल शॉप से लें। हल्द्वानी में रहने वाले शॉप की डिटेल्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हम इसके स्पेक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इसका प्राइस, जो कि सबसे अपीलिंग है। अगर आप इसको लोकल वेंडर से ख़रीदते हैं तो आपको 1300 टू 2000 के बीच में ये पड़ सकता है। अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो ऑनलाइन आपको 1800 टू 2100 के बीच में पड़ जाएगा। इसकी बैटरी कंपनी क्लेम करती है अराउंड 500 mAh की बैटरी, जो कि आपके 20 hours के कॉल टाइम एंड 32 hours का प्लेबैक गारंटी करती है। चार्जिंग की बात करें तो ये 2 से 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। चार्जिंग के लिए इसमें USB केबल दी गई है। इसमें आप कोई भी 5 वॉट का अडाप्टर से इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए इस डिवाइस में ये इनपुट दिया है। चार्जिंग होते टाइम इसमें रेड लाइट ऑन हो जाती है और जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट होगी रेड लाइट बंद हो जाती है। चार्जिंग के मामले में मुझे इसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आपको इसको बस एक बार फुल चार्ज करना है। अगर आपकी 12 घंटे से ऊपर की कोई भी बाइक जर्नी है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आते हैं इसकी कंपैटिबिलिटी पे, तो ये iOS और Android के साथ इजीली पेयर हो जाता है, कोई आपको इशू नहीं आएगा। आपको बस एक बार इसको पेयर करना है और नेक्स्ट टाइम से ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। जैसे कि iOS में आप देख सकते हैं, ब्लूटूथ में आप जब जाओगे तो आपको ये BT12 के नाम से दिखेगा। सो BT12 नाम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कन्वीनियंस के लिए आपको इसमें 3 बटन दिए गए हैं, वॉल्यूम इंक्रीज, डिक्रीज और कॉल बटन। कॉल बटन बेसिकली आप गाने को प्ले पॉज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कॉलिंग का फीचर काफ़ी अच्छा दिया गया है, लाइक अगर आपको किसी का कॉल आता है तो ये आपको उसके कॉल का नंबर सुनाएगा। 9, 1, 9, 6. आपको उठाना है तो आप सिंपली इसको सिंगल टैप करें तो कॉल उठ जाएगा। अगर आपको कॉल डिक्लाइन करनी है तो 2 बार इसको क्लिक करें तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी रिडायल का। जो भी आपके लास्ट नंबर पे कॉल किया होगा आपने, अगर आप इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो लास्ट नंबर रिडायल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। यूनिवर्सल फिटिंग, इसको आप किसी भी टाइप के हेलमेट में इजीली माउंट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका एक्सोर का एपेक्स हंटर हेलमेट है। इसमें आप इसकी फिटिंग देख ही सकते हैं, काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे से इसमें फिट हो गया है। अगर आपको इसके इंस्टॉलेशन की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं हम आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और किस तरीके से इसका बैटरी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ आता है माइक, जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं इसको प्रैक्टिकली देख चुका हूँ, लाइक आप अगर बाजार में भी हो एंड ट्रैफिक वाले एरिया में हो तो आपका जो सेकंड राइडर है उसको सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई देगी, ट्रैफिक की बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ये इस ब्लूटूथ डिवाइस के माइक के थ्रू है, तो क्वालिटी का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर अब बात करते हैं कि ये ब्लूटूथ सिस्टम किन लोगों को लेना चाहिए। पहली बात ये, जिनका बजट बहुत टाइट है और जो एक सस्ते में अच्छी क्वालिटी का ब्लूटूथ सिस्टम यूज करना चाहते हैं। सेकेंड, जो पहली बार कोई भी ब्लूटूथ सिस्टम या इंटरकॉम सिस्टम यूज करने जा रहे हैं, बिकॉज आपको अभी आइडिया नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसको कैसे यूज करने वाले हैं। सो एक सस्ते में अच्छी क्वालिटी का ब्लूटूथ सिस्टम यूज करके आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड, ये उन लोगों को लेना चाहिए जिनका मोस्टली ट्रैवल ऐसे एरियाज में होता है जहाँ नेटवर्क की कोई इश्यूज नहीं है, बिकॉज ये एक ब्लूटूथ सिस्टम है और ये आपके फोन से कनेक्ट होगा एंड आपके फोन बेसिकली कॉल पे होंगे, तभी आप एक दूसरे राइडर से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हम आगे भी ऐसी रिव्यू वीडियोस लाते रहेंगे आपको बाइक ट्रैवल के एसेसरीज से रिलेटेड, कैमरा रिलेटेड और ट्रैवल हैक्स के रिलेटेड।